हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू तो चलिए जी आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं जैसा आपको पता है कि हम आ, डिस्कस करते हैं आपके वीकली करंट अफेयर्स तो इस बार के जो करंट अफेयर्स हैं वो फोर्थ से लेकर टेंथ ऑफ फरवरी तक के करंट अफेयर्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही और क्या क्या जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इक, इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दी गई है ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी का जो चैनल है उस पर ये आप पी भी डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन हमारा सबसे पहली न्यूज सबसे पहली न्यूज आज की जो है हमारे दैट इज इंडियन नेवी डिक्लेयर्ड ईयर टू जीरो टू फोर ईयर टू जीरो टू फोर एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस जो नेवल सिविलियंस हैं उनका एक इंडियन नेवी ने क्या डिक्लेयर किया है कि जो 2024 का साल है इसको ऐसा मनाया जाएगा ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस जो नेवी में सिविलियंस लोग ये ऐसे काम करते हैं उनका एक ये साल उनको डेडिकेट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा और इंडियन नेवी के चीफ कौन है आर हरी कुमार और मोटो क्या है सैम नो वरुणा मीनिंग बी स्पीशियस अन टू अस ओ वरुणा तो ये इनका मोटो है तो बेसिकली बहुत ही कॉमन सी न्यूज़ है ज़्यादा इसको याद भी नहीं रखना शायद ही पेपर में ये चीज़ आपसे पूछे केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक बाय मर्जिंग फोर मेडल्स देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चार जो प्राइज दिए जाते थे अलग अलग जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नया मेडल एक नया मेडल शुरू किया है जिसका नाम है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक मर्जिंग फोर एग्जिस्टिंग मेडल्स कौन से स्पेशल ऑपरेशन मेडल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन असाधारण असूचना कौशलता पदक और अवर अवर डी एस फॉर मेरिटोरियस सर्विस इन फॉरेंसिक साइंस जो इंटेलिजेंस के अंदर आर आ, सेंट्रल पुलिस फोर्स के अंदर या फिर फॉरेंसिक के अंदर जो लोग कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनको एक मेडल दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के तो इन चारों मेडल्स को इकट्ठा करके एक ही मेडल बना दिया गया है और जिसका नाम क्या रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक तो ये जो मेडल है आप देख सकते हो द मेडल विल ओनली बी अवॉर्डेड फॉर द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ऑपरेशन विद द डायरेक्ट इम्पैक्ट परसोनल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडाक्ट एक्सीड एंड कस्टम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ऑल्सो भी कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड अंडर द एरिया ऑफ प्रिवेंशन ऑफ नार्कॉटिक्स स्मगलिंग जो इस कैटेगरी के, के सेंटर सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सीज एंड कस्टम के जो ऑफिसर्स होंगे उनके लिए भी ये अवार्ड मतलब ओपन है क्योंकि वो भी इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कोशिश करते हैं प्रिवेंशन ऑफ नार्कोटिक्स स्मगलिंग जो ये मेडल होगा सर्कुलर होगा शेप में 38 एट mm डायमीटर और तीन एम mm इसकी थिकनेस रहेगी द मेडल विल बी अप ऑफ सिल्वर गोल्ड गिल्ट एंड द री विल बी हाफ ब्लू एंड हाफ रेड तो ये बेसिकली इस मेडल एक नया तरह का मेडल शुरू किया गया है चार मेडल्स को मर्ज करके ठीक है जी तो इस मेडल के ऊपर ये क्वेश्चन है तो जो भी एक्सेप्शनल कुछ अपनी सर्विस में लोग काम करते हैं चाहे वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस के ऑफिसर्स हों चाहे वो सेंट्रल पुलिस फोर्स के ऑफिसर हों किसी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हो तो उनके लिए ये एक अवार्ड है उनके लिए एक मेडल है इंडियाज यूपीआई वॉज लॉन्च एट आईफल टावर इन पेरिस फ्रांस इंडिया यू पी आई लॉन्च डेट आईफल टावर इन पेरिस फ्रांस सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए अगर मैं बात करूँ यू पी आई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फुल फॉर्म याद रखनी है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसकी फुल फॉर्म को ध्यान नहीं देते और एग्जामिनर यहीं पे क्वेश्चन बनाया जाता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ये यू पी आई का कंसेप्ट इंडिया में शुरू हुआ कौन से ईयर में दो हज़ार सोलह के अंदर वॉज़ फॉर्मली लॉन्च डेट आईफल टावर इन पैरिस फ्रांस इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट्स हैं इनको डील करने के लिए या यू के साथ कौन सी बॉडी काम करती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ जो इंडिया है उसका एक इंटरनेशनल पेमेंट्स एक आगे एक यूनिट है द इंटरनेशनल आर्म ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने लायरा नेटवर्क जो कि एक फ्रेंच की ई कॉमर्स ऑन अप्रॉक्सीमेटी पेमेंट प्लेटफॉर्म है उसके साथ किया है कि यू पेमेंट्स यूरोप में भी एक्सेप्ट की जाएंगी फ्रांस के अंदर एक्सेप्ट की जाएंगी तो एक टाइप हुआ है इंडिया और फ्रांस का आइफल टावर से इसको लॉन्च किया गया है कि यू पेमेंट्स को वहाँ से लॉन्च होंगी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है डिजिटल पेमेंट्स को देखना या चलाना डिजिटल पेमेंट्स करना और ये एक एक्ट है जिस एक्ट का नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में यह एक्ट आया था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जिसके अंदर आपका एनपीसीआई बना है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आपका टू में बना है कि जो पेमेंट्स होती हैं और जो सेटलमेंट्स होती हैं इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है इसके अंदर ही आपकी बॉडी बनी है कौन सी नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया उसकी एक इंटरनेशनल आर्म है जिसका नाम है एन इंटरनेशनल पेमेंट उसने टाई अप किया है लारा नेटवर्क के साथ तो अभी फ्रांस के अंदर भी हमारा यू पेमेंट चला करेगा क्लियर होगी ये चीज़ और एक बात और जो भी रिसेंट डाटा है उसके अंदर ये बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर किसी कंट्री में होती हैं तो उस कंट्री का नाम है इंडिया इंडिया में सबसे हाईएस्ट नंबर है ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया हाईएस्ट इंडिया वो कंट्री है जहां पे डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होती है क्लियर होगी ये चीज आपको बहुत ही एक क्या है ऐसे क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर कि रिसेंटली किस कंट्री ने अभी यूपीआई को अप्रूवल दे दी है कि वहां वहां यूपीआई चल सकता है तो आंसर इज फ्रांस ठीक है जी फ्रांस में ये चीज हुई है और यूपीआई की फुल फॉर्म आपको पता है यूपीआई बना कब है टू किसके अंडर काम करता है एनपीसीआई मतलब डिजिटल पेमेंट्स है ही उसके अंदर और इसको सभी को रेगुलेट कौन करेगा जी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारी चीजों को रेगुलेट कौन करता है आरबीआई चलिए आगे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑनर्ड डॉक्टर बीना मोदी चेयरपर्सन ऑफ मोदी एंटरप्राइजेस के के मोदी ग्रुप विद द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर चलिए आगे न्यू सीएम ऑफ झारखंड चंपाए सोरेन चंपाए सोरेन को जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी के लीडर हैं उनको नया सीएम बनाया गया है जी झारखंड का झारखंड के गवर्नर सी पी राधा कृष्णन उन्होंने ओथ दिलवाई है झारखंड के सीएम को तो आपको पता होगा सीएम को ओथ कौन दिलवाता है जी गवर्नर ऑफ अ स्टेट फॉर्मर सीएम हेमंत सोरेन वाज अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट ईडी इन अ लैंड फ्रॉड केस फर्स्ट सिटिंग सी ऑफ झारखंड टू बी अरेस्टेड इन अ करप्शन केस चंपाई सोरेन जिनको झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के एक फाउंडिंग मेंबर हैं वहाँ रीजनल पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके फाउंडिंग मेंबर है चंपाई सोरेन तो इनको अभी झारखंड का क्या अपॉइंट किया गया है सीएम क्या अपॉइंट किया है जी सीएम अपॉइंट किया गया है थर्टी वन एम क्यू नाइन बी आर्म्ड ड्रोन टू इंडिया बाय यूएस यूएस ने अप्रूव कर दिया है सेल ऑफ थर्टी वन एम क्यू नाइन बी आर्म्ड ड्रोन एंड अदर रिलेटेड इक्विपमेंट टू इंडिया इंडिया को देगा ये आप देख सकते हो इसकी फोटो इसकी आप फोटो एक बार देख सकते हो आगे देखिए एम क्यू नाइन बी जो है एम क्यू नाइन बी जो है टर्मड एज हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड ड्रोन कैन फ्लाई अप टू फोर्टी प्लस आवर्स चालीस घंटे से ज्यादा ये फ्लाई कर सकता है तो ये आप देख सकते हो कि हमने यूएस से लिए हैं तो ऐसी चीजें एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में एक और हेलीकॉप्टर भी है जो जनरली आपने जैसे देखा होगा कि जिसके ऊपर दो फैन लगे हैं चिनूक वो भी हमने वो तो एक हेलीकॉप्टर है जो हमने कहाँ से लिया है वो भी हमने यूएस से लिया है चनूक जैसे राफेल हमने कहाँ से लिया है जी फ्रांस से तो ऐसे कई बार मैच द कॉलम में एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है तो ये याद रखिएगा थर्टी वन एम क्यू नाइन भी जो आर्म्ड ड्रोन है ये इंडिया ने यूएस से लिया है डेवलपर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पास अवे जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड अवार्डी डॉक्टर नित्यानंद जिन्होंने डेवलप की थी इंडिया की पहली ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसका नाम था सहेली तो जिन्होंने दवाई डेवलप की थी इनकी डेथ होगी एट द एज ऑफ 99 नाइन इन लखनऊ यूपी ही प्लेड अ वाइटर रोल इन द डिस्कवरी ऑफ सहेली साइंटिफिकली नोन एज सेंथ्रोमैन The first non steroidal oral contraceptive pill anywhere in the world. This innovation marked the world's first non steroid once a week oral contraceptive drug that gave women the freedom to decide about pregnancy. ठीक है जी आपको पता है कि प्रेगनेंसी के लिए ये ली जाती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो पहली एक औरल पिल जो बनाई गई थी जिसका नाम था सहेली वो इन बंदे इसने बनाई थी डॉक्टर नित्यानंद ने और दुनिया में ऐसी पहली आ, पिल थी ये इनकी डेथ हो गई अभी नाइनटी नाइन की एज में तो उसके बारे में एक न्यूज है इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क टॉप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एमबीए की कैटेगरी में इंडिया की अगर बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इसका रैंक सबसे टॉप पे आया है टॉप गवर्नमेंट एम कॉलेज इन इंडिया एम कॉलेज रैंकिंग की बात करिए जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर हैज़ टॉप अमंग द टॉप प्राइवेट एम बी अगर प्राइवेट एम बी की बात करी जाइए करी जाए तो जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट है जो कि झारखंड के अंदर तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर उसका पहला रैंक है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आईआईटी अहमदाबाद का पहला रैंक सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज आई का मैनेजमेंट का अहमदाबाद का पहला रैंक है यहां पे आप देख सकते हो ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स तो इसमें क्या न्यूज़ है मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के उनका रैंक पहला आया है सभी इंडियंस की अगर बात करें और वर्ल्ड में सेकंड रैंक आया है इन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स कंपाइल्ड बाय ब्रांड फाइनेंस द वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड वैल्यूएशन फर्म मतलब जो ब्रांड्स को वैल्यू करती है कि किस ब्रांड की कितनी वैल्यू है उस फर्म ने बोला है कि जो रिलायंस के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी उनका वर्ल्ड में रैंक क्या है जी सेकेंड है ग्लोबली ठीक है जी किस में गार्डियनशिप इंडेक्स ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स हुए और सीईओ है चाइनीज इंटरनेट जायंट टेनसेट होल्डिंग्स उनका वर्ल्ड में पहले लीडिंग सीईओ ओ एज आया है ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स में पहला रैंक है उनका ऑफ द वी चैट ब्रांड निविदिया सीओ जेंसन हुएंग रैंक थर्ड ग्लोबली फॉलोड बाय एप्पल आईएनसी टिम कुक जिनका फोर्थ रैंक है एंड टाटा तो ये कुछ नाम दिए हैं कि किन किन के रैंक आए हैं तो ये ऐसे ना जनरली आप भी कहते हो कि ये चीज़ें हमें अब एग्जामिनर का अगर मन किया तो वो इसको पूछ लेगा अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट एक बार देखना तो पड़ेगा ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा कि इंडियन कौन सा है पहला रैंक किसका है तो इतना कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए और ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि हम क्या है जैसे क्लासेज में कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ हैं कि अब मैं हर न्यूज़ को इतना

जिसका नाम है आई एन एस संध्यक अब अगर बात करें हमारे इंडिया की टोटल कोस्टल लेंथ हमारे इंडिया में जो टोटल समंदर है इनक्लूडिंग आइलैंड्स, तो ये टोटल लेंथ कितनी है सेवन फाइव वन सिक्स पॉइंट सिक्स किलोमीटर ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ पहले भी इंक्लूडिंग आइलैंड्स, इतनी हमारी टोटल कोस्टल लेंथ है और इंडिया के नौ राज्यों को समंदर लगता है गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल एंड सॉरी आंध्र प्रदेश उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ठीक है जी तो ये हमारी ये देख सकते हो और इंडिया की टोटल नाइन स्टेट्स हैं जिनको समंदर लगता है सबसे बड़ी स्टेट है गुजरात जिसको समंदर लगता है और इंडिया के टोटल मेजर पोर्ट्स कितने हैं थर्टीन मेजर पोर्ट्स इंडिया के टोटल कितने हैं जी थर्टीन थर्टीन इंडिया के पास मेजर पोर्ट्स हैं तीन मार्च को एग्ज़ाम है तो आप याद रखिए कि आपके सितंबर के बाद के अफेयर आपको याद होने चाहिए या आप सितंबर से याद होने चाहिए आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फेब छः महीने तो मिनिमम चाहिए चाहिए न्यू चीफ जस्टिस टू सेवन हाई कोर्ट्स सात हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं तो इनको जो जो जिस, जिस जिस स्टेट का आपका एग्ज़ाम है ठीक है जी या कौन से अपॉइंट किए गए हैं तो एक बार आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको जैसे पंजाब हरियाणा के लोग हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है तो रीजनल लेवल पे एक क्वेश्चन बन जाता है ये चीफ जस्टिस एक बात सुनिए पॉलिटी को रिलेटेड कोई चीज है कि जैसे हम जजिस की अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो एक वर्ड यूज होता है कॉलीजियम ये आप याद रखिएगा कोलिजियम कोलिजियम जजिस की अपॉइंटमेंट के लिए होता है इसमें होता क्या है एक चीफ जस्टिस होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आईसीजे, चीफ जस्टिस या सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चार सीनियर मोस्ट जज चार सीनियर मोस्ट जज होंगे तो इनका ग्रुप बनेगा कॉलिजियम कहते हैं इसको ये कोई भी नाम रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है एज जज चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो किसी हाई कोर्ट का हो मान लो अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करने हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चार सीनियर मोस्ट जज ये कुछ रिकमेंडेशन देंगे प्रेजिडेंट को और प्रेजिडेंट उनको क्या करेगा अपॉइंट करेगा क्लैरिटी होगी इस चीज़ की कॉलीजियम वर्ड क्लियर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन सॉरी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन वॉन बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड गुरुग्राम गुरुग्राम बेस्ड आर ई सी लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेसन कॉरपोरेशन वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड फॉर द एसट ट्रिपल ए अवॉर्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस दो हजार चौबीस आर ई सी वॉज ऑनर्ड फॉर द इश्युएंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड वर्थ यू एस डी सेवन फिफ्टी मिलियन इन टू जीरो टू थ्री दिस वॉज फर्स्ट यूएसडी ग्रीन बॉन्ड्स इशोर फ्राम इंडिया आफ्टर इंडिया द जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड द लार्जेस्ट एवर सीनियर ग्रीन बॉन्ड ट्रेंच बाय अ साउथ और साउथ ईस्ट एशियन ईश्य सबसे पहले समझिए सब कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं ये न्यूज़ में आप एक काबिल सोच रहे कि सर ये है क्या ग्रीन बॉन्ड्स क्या हैं ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं मान लो मैंने किसी को पैसा दिया या मैंने किसी से पैसा लिया उसको एक बॉन्ड दे दिया कि भाई मैं आपका पैसा इस डेट को वापस करूंगा विद इंटरेस्ट अब ग्रीन बॉन्ड मैंने उससे जो पैसा लिया है इस पैसे का यूज मैं सिर्फ रेन्यूएबल एनर्जी को बनाने में करूंगा रेन्यूएबल एनर्जी मतलब जो पोल्यूट ना करे एनवायरमेंट को या सोलर एनर्जी ंड एनर्जी हाइड्रो एनर्जी तो ऐसे अगर मैं पैसा उठाता हूं मार्केट से इन इन प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये ग्रीन बॉन्ड्स इशू करके मैंने पैसा उठाया होगा ग्रीन बॉन्ड्स तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए हैं या उसके लिए अवार्ड मिला है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को और ये जो आर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है ये एक सरकारी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी है इनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब सरकार की कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या जनरली हम इनको बोलते हैं सॉरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लिखा हुआ है सरकारी कंपनियाँ और ये कंपनी क्या है महारत्ना कंपनी है कौन सी कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के नीचे काम करती है महारत्ना देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया सबसे पहली कैटेगरी महारत्ना सेकंड कैटेगरी नवरत्ना और थर्ड कैटेगरी मिनी रत्ना इंडिया में टोटल महारत्ना कंपनीज कितनी है थर्टीन कितनी कंपनीज है जी इंडिया में टोटल महारत्ना कंपनीज कितनी है थर्टीन कोई भी कंपनी अगर किसी को महारत्ना कंपनी बनना है तो उसके क्राइटेरियाज होते हैं कुछ जैसे उस कंपनी का उस कंपनी की जो नेटवर्थ हो जो नेटवर्थ हो उस कंपनी की या आप कहो कि उसकी जो टर्नओवर हो टर्न ओवर उस कंपनी की पच्चीस हज़ार करोड़ होनी चाहिए टर्न ओवर पिछले तीन सालों से जो उस कंपनी की टर्न ओवर है वो पच्चीस हज़ार करोड़ होनी चाहिए या उसकी नेटवर्थ पंद्रह हज़ार करोड़ होनी चाहिए या उसका नेट प्रॉफिट पाँच हज़ार करोड़ होने चाहिए पिछले तीन सालों में पिछले तीन सालों का ठीक है ये चीज़ पाँच हजार करोड़ होना चाहिए नेट प्रॉफिट और वो कंपनी नवरत्न कंपनी होनी चाहिए पहले तो अगर कोई कंपनी ऐसे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है तो उसको महारत्ना बना देते हैं इंडिया में टोटल महारत्ना थर्टीन कंपनीज हैं और जिसमें से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन भी है आपने देखना है कि नवरत्न कंपनी और मिनी रत्ना कंपनीज इंडिया में कितनी है गवर्नमेंट कंपनीज मिनी रत्ना और नवरत्ना कंपनीज कितनी है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है लाल कृष्ण अडवाणी टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न भारत रत्न इनको दे दिया गया है इंडिया का आपको पता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ठीक है जी सिविलियन लोगों को अगर कोई अवार्ड दिया जाता है तो सबसे बड़ा अवार्ड ये है भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया ही विल बी फिफ्टियथ रेसिपियंट ये पचास में है जिनको भारत रत्न मिला है इंडिया के अंदर अब ऐसा नहीं है एक इनको मिला तीन और मिला है। आगे पढ़ा रहा हूं अभी और ये भारत रत्न का जो कंसेप्ट है ये कौन से ईयर में देना शुरू किया था 1954 में दिस इज द सेवेंथ भारत रत्न अवार्ड बाय द करंट रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने ये सातवां भारत रत्न अवार्ड दिया है 2014 से जब से उन्होंने पावर संभाली है द लिस्ट इंक्लूड्स मदन मोहन मालविया अटल बिहारी वाजपेयी प्रणब मुखर्जी भूपेंद्र कुमार हजारिका एंड नंजी देशमुख और करपूरी ठाकुर इनको उन्होंने भारत रत्न अवार्ड दिए हैं तो अभी लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है भारत रत्न अवार्ड 1954 में शुरू हुआ जो लोग डेडिकेटेडली इंडिया के लिए कुछ काम करते हैं नेशन के लिए एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर तो इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर तो उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है द रिकमेंडेशन ऑफ भारत रत्न इसकी रिकमेंडेशन कौन करता है जी प्रेसिडेंट को इंडिया के पीएम इंडिया के पीएम एम डायरेक्ट रिकमेंडेशन करते हैं प्रेसिडेंट को द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड मैक्सिमम तीन दिए जा सकते हैं एक साल के अंदर और इस अवार्ड के अंदर एक सनद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है साइंड बाय द प्रेजिडेंट एंड मेडलियन और एक मेडल दिया जाता है यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो कि पीपल के लीफ की तरह होता है पीपल लीफ की तरह एक मेडल दिया जाता है ये वाला भारत रत्न जिनको मिलता है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसमें कोई भी डज नॉट कैरी एनी मॉनीटरी ग्रांट कोई इसमें पैसे की ग्रांट नहीं दी जाती ये क्लियर हो गया आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है चीज़ों को इम्पॉर्टेंट है अच्छा मुझे बताओ क्या ये अवार्ड सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जाएगा या फॉरनर्स को भी दिया जा सकता है यस और नो में बताओ जल्दी आंसर दीजिए चलिए काफी लोग लिख रहे हैं कि यार यस सर कोई आप मुझे एग्जाम्पल बता सकते हो कि आज तक किसी फॉरनर को भारत रत्न अवार्ड मिला है बताइए कोई एग्जाम्पल बताइए काफी लोगों ने आंसर दिया कि सर यस दिया जा सकता है तो आंसर दीजिए प्लीज दो अवार्ड दिए गए बाहर वाले लोगों को कौन क्या नाम है जी उनके बताइए आज तक दो लोगों को आपने बोला कि सर कोई बाहर के लोग थे उनको अवार्ड दिया गया भारत रत्न तो वो कौन थे इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जो ये भारत रत्न है ये सिर्फ इंडियंस को दिया जाएगा सो देर इज नो स्पेशल प्रोविजन दैट द भारत रत्न शुड बी प्रोवाइडेड टू ओनली इंडियन सिटीजन तो ऐसा तो कुछ नहीं है ये फॉरनर्स को भी दिया जा सकता है चलिए एक नाम आ गया एक नाम है अब्दुल गफार खान और दूसरा नाम क्या आ गया जी आपका नेल्सन मंडेला अब्दुल गफार खान देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चले गए थे इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है क्या कहते हैं जी अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी फ्रंटियर गांधी के नाम पे फेमस है अब्दुल गफार खान और दूसरा नाम नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे और जिन्होंने रेसिसम के खिलाफ एक एपरथाइड मूवमेंट चलाई थी तो इनको भी इंडिया में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है तो ये मिल सकता है जी इंडिया में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है अच्छा हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स कौन सा आर्टिकल है जी जल्दी बताइए संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो टाइटल्स लेने से मना करता है जो नॉर्मल हैरीडेटरी टाइटल्स हैं जैसे नवाब हो गया राजा हो गया निज़ाम हो गया ऐसा कुछ यस yes, आंसर क्या है जी अंडर आर्टिकल एटीन संविधान का एटीन आर्टिकल है जिसके अंदर टाइटल्स नहीं लिए जाएंगे बॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ब्राजीलियन फुटबॉलर विनिकियस जॉस पैक्साव डी ओलवेरा जूनियर को गुडविल एम्बेसडर लगा दिया गया है फॉर एजुकेशन फॉर ऑल फॉर एजुकेशन फॉर ऑल का फॉर एजुकेशन के लिए इनको गुडविल एम्बेसडर लगाया गया है जी किन का और आगे अगर हम बात करें ऑन्ड्रे ओजले जो कि डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के उन्होंने लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया है इनको कि इनको यूनेस्को के अंदर अलग अलग तरह के वो लगाए जाते हैं ऑफिसर्स लगाए जाते हैं तो ऐसे ही ये बंदे को अपॉइंट किया है कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गुड विल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन तो ब्राजीलियन एक फुटबॉल प्लेयर है उनको अपॉइंट किया गया है और आगे अगर बात करें यूनेस्को कब बना है वो ये लिखा है नाइनटीन में बना है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है पेरिस फ्रांस के अंदर क्लियर है चीज तो ये यूनेस्को के बारे में भी यहाँ पे चीज लिखी है और रही बात एजुकेशन की एजुकेशन के लिए अम्बेसडर लगाया गया है गुडविल एम्बेसडर आप लोग मुझे बताओ राइट टू एजुकेशन यह फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल के अंदर बताइए जल्दी आंसर दीजिए चलिए आंसर आ गया कि सर आंसर है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए इसको बाद में संविधान में ऐड किया गया अंडर एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू थाउजेंड नाइन एटी सिक्सनल अमेंडमेंट टू थाउजेंड नाइन के अंदर एक क्या बनाया गया जी राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट right बनाया गया और एक आर्टिकल ऐड किया गया ट्वेंटी वन ए जिसके अंदर सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स आपको क्या मिलेगा इंडिया के अंदर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कोई डाउट है जी किसी को इसमें इस अमेंडमेंट के अंदर तो ये बेसिक सी एक चीज है थोड़ी अमेंडमेंट है इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे ही पेपरों के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं तो याद रखना है हमने न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन यमन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं आपकी मर्जी है इसको याद रखना हो तो रख लीजिएगा अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास टेस्टेड आपको पता है कि एक मिजाइल है अभ्यास जिस, जिसको भी टेस्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा एरियल टारगेट एक मिजाइल है हीट जिसको बोलते हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास एज अ इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया है टॉर्च बीर फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स, फॉर्मर इंडियन शूटर फॉर्मर इंडियन शूटर एंड इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे 2008 में अभिन अब इंद्रा हैज बिन सिलेक्टेड एज अ टॉर्च बीर टू टेक पार्ट इन द पेरिस दो हजार ओलंपिक में जो टॉर्च बेयर होते हैं जो स्टार्टिंग में तो उनमें इंडिया के किसको चुना गया है जी अभिनव बिंद्रा को ये एक गोल्ड मेडलिस्ट है बीजिंग में जब ओलंपिक हुए थे दो के अंदर तो सबसे पहली तो आपने ये एक याद रखनी है कि दो के जो ओलंपिक्स हो रहे हैं समर ओलंपिक्स जो ये समर ओलंपिक्स हो रहे हैं 2024 में ये कहाँ पे हो रहे हैं जी पेरिस फ्रांस के अंदर ये ओलंपिक्स गेम हो रही हैं 2024 की जो हो रही हैं और देखो एक ओलंपिक गेम्स के अंदर क्या होता है कि एक समर गेम्स एक विंटर गेम्स भी हैं जो विंटर गेम्स हैं विंटर गेम्स जो हैं ये 2026 में होंगी और ये कहां पे होंगी इटली के अंदर समर गेम्स अभी कहां पे होंगी 2024 में पेरिस के अंदर और जो विंटर गेम्स होंगी वो इटली के अंदर होंगी 2026 में अब अगर बात करें कि समर uh, गेम्स जो होती हैं तो नेक्स्ट जो गेम है अगर आगे मैं गेम्स की बात करूं, 2024 में ये हैं 2028 में क्योंकि चार साल बाद होता है, 2024 में अभी होगा 28 में ये गेम्स कहाँ पे होंगी लॉस एंजल्स कहाँ पे होंगी जी लॉस एंजल्स और 2032 में ये गेम्स कहाँ पे होंगी आपका ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे होंगी जी ऑस्ट्रेलिया और अगले चार साल बाद 2036, इसके लिए इंडिया ने एप्लीकेशन दे रखी है कि ओलंपिक गेम्स को कहाँ कंडक्ट करवाया जाए इंडिया के अंदर अभी एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ती है पहले तो होता था कि सात साल पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी अब तो ऐसा कुछ है नहीं बट इंडिया ने एप्लीकेशन सबमिट कर रखी है कि इसको इंडिया में करवाया जाए ठीक है ये चीज़ तो इंडिया में ये गेम्स होंगी तो देखा जाएगा कि ये इंडिया के अंदर दो में होती हैं या नहीं होती हैं क्लियर हो गया सभी को प्लीज यस और नो कि जो गेम्स के बारे में क्लियर हो गया कौन से साल कहां कहां पे होनी है चलिए जी अगर ये क्लियर है आपको तो विंटर गेम्स 2026 में इटली में होंगी अभी समर गेम्स 2024 की पेरिस में हो रही हैं 28 की लॉस एंजेलिस में 32 की ऑस्ट्रेलिया में और 2036 में पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कंडक्ट करेगा इनको चलिए जी आगे एक चीज और है अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली जो ओलंपिक गेम्स हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी 1896 कौन से ईयर में हुई थी 1896 पेरिस 2024 ओलंपिक टॉर्च फ्लेम विल बी लिट ऑन अप्रैल 2024 एट द ओलंपिया सेंचुरी इन ग्रीस वहां पे चलाई जाएगी और पहली जो गेम्स हुई थी 1896 में वो एथेंस में हुई थी ये भी कहां पड़ता है आपका ग्रीस के अंदर एथेंस में हुई थी कहां पे जी ग्रीस एथेन में हुई थी कहां पे जी ग्रीस में ये गेम हुई थी सबसे पहली एटीन के अंदर ठीक है जी अगर मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं और आपको पता है कि ओलंपिक गेम्स जो होती हैं बेसिकली ऐसे ये फाइव सर्कल हैं, ये जो फाइव सर्कल होते हैं ओलंपिक के अंदर आपने देखा होगा ओलंपिक गेम्स के अंदर ये पांच सर्कल बने होते हैं तो ये पांच सर्कल क्या डिनोट करते हैं जी फाइव कॉन्टिनेंट्स किस चीज को डिनोट करते हैं फाइव कॉन्टिनेंट्स तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो ये कुछ ओलंपिक के बारे में यहाँ चीजें लिखी हैं इंडिया के टॉर्च बेयरर कौन होंगे अभिनव पिंद्रा इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूएन रेगुलर बजट जो यूनाइटेड नेशन का एक रेगुलर बजट होता है तो उसमें इंडिया की के ऊपर बात है 2024 में अगर बात करें इंडिया नाइन 32.895 मिलियन या 273 करोड़ टू द यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट एंड ऑन द स्पॉट इन ऑनर रोल ऑफ यू फॉर टू जीरो क्या चीज है ठीक इंडिया ने पैसा दे दिया यूएन के बजट में बट ये क्या है इंडिया ने कहा रैंक कहा चीज़ अपनी जगह हासिल कर ली ऑनर रोल ऑफ द यूएन ऑनर रोल का मतलब यूएन में उन देशों की एक लिस्ट होती है मैंडेटरी फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि पैसा देंगे ही देंगे इन फुल टू द यू रेगुलर बजट विद इन थर्टी डेज ऑफ इशुएंस ऑफ पेमेंट नोट फ्रॉम द यूएन मान लो यूएन ने इंडिया को पेमेंट नोट दिया इतने पैसे आपने कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं जी दीजिए पेमेंट दीजिए और इंडिया ने विद इन थर्टी डेज उनको जमा करवा दिया तो इंडिया को जो इंडिया है दैट इज इट यू एन ऑनर रोल ऑफ द यू एन के अंदर आ जाएगा तो हमने सबमिट कर दिया है इसको फोर्टी थ्री मेंबर स्टेट्स हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर आई हैं और उनमें से एक इंडिया भी है यू एन के सेक्रेटरी जनरल ऑन्टोनियो गटर्स और हेडकोार्टर कहाँ पे है न्यूयॉर्क और बना कब था 1945 मैंने बहुत सारे लेक्चर में आपको ये भी बताया है कि यूएन नाम किसने दिया था अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इनके द्वारा ये नाम दिया गया था और आपको मैंने बहुत बार क्वेश्चन दिया और क्लास में करवाया भी है कि यू के मेन ऑर्गन्स तो ये दोबारा से फिर क्वेश्चन है अगर कहीं ने नहीं सर्च किया या मेरी क्लासेज अभी से ज्वाइन करी हैं अदरवाइज तो मैंने ये बता रखा है 66th annual grammy awards was held at crypto.com arena in los angeles california taylor swift won the grammy 2024 album of the year for her album Midnights and became the first ever artist to win album of the year four times she also won award under best pop vocal album category victoria monet won the best new artist at the 2024 grammy awards बाकी आप देख सकते हो द बैंड शक्ति लेड बाय तबला मास्टर उस्ताद जाकिर हुसैन एंड फीचरिंग वोकलिस्ट शंकर महादेवन प्रकुरशनिस्ट वी सेल्वा गणेश वायलनिस्ट गणेश राजा गोपालन एंड जॉन मैकलॉयन हैज वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड फॉर देयर लेटेस्ट रिलीज जिसका नाम है दिस मूवमेंट इसके लिए इनको अवार्ड मिला है ग्रैमी अवार्ड हां जी एक अभी ये हो रहा है शायद नेक्स्ट मंडे आपको इंडियन बजट के ऊपर एक वीडियो आएगी ठीक है जी वो वीडियो डल जाएगी इंडियन बजट का डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है वो मंडे तक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी आप उसको पढ़ लेना इंडिया मतलब सारा बजट डिस्कस हो जाएगा जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रेजिडेंट ऑफ एल सेलवाडोर एल सेलवाडोर के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं छोड़ दीजिए इसको जोहो जुस्पे एंड डिंट्रो रिसीव्ड आरबीआई नॉट फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस पेमेंट एग्रीगेटर जो मतलब पेमेंट लेते हैं और आगे करते हैं जैसे ये पेमेंट होती है तो पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस में आर ने तीन को अलाउ कर दिया है किसको जोहो को जसपे को एंड डी सेंट्रो जैसे फोन पे है ये आ, पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं ना ठीक है जी आपका गूगल पे है तो ये तीन और हैं जिनको आर ने अभी अप्रूवल दी है तो ये नाम याद रखेंगे आप डे सेंट्रो जोहो एंड जस्ट जसपे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर नीमा सरिखानी ऑफ द यू के वॉन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर फिफ्टी नाइन पीपल्स चॉइस अवार्ड बाई द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंडन नीमा सरीखानी वॉन दिज अवार्ड फॉर हिज़ फोटो ऑफ अ पोलर बियर स्लीपिंग पीसफुली ऑन अ स्मॉल आइसबर्ग पी एम ऑफ कजाकस्तान इंडिया के ऊपर सेंट्रल एशिया में कंट्री पड़ती है कजाकस्तान वहाँ के नए पी एम अपॉइंट किए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया हर कंट्री के लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक में तो मिया ओका इज अ न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया सारा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है नाम याद रख लिया बहुत है उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेजिडेंट मास अस्कावा और हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी मनीला फिलीपींस और बना कब था 1966 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 के अंदर बना है फिलीपींस में इसका क्या है जी हेडक्वार्टर इंडिया के जो कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं उनका नाम है मियोका उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट टू पास बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पहले बिल लेके आने वाली स्टेट कौन सी बन गई है जी आपकी उत्तराखंड अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर गोवा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो गोवा में तो क्या हुआ था जब गोवा को हमने पोर्तुगीज लोगों से छुड़वाया था तो वहां की पॉपुलेशन सिर्फ छह लाख थी तो वहां जो पुर्तुग का कोड चलता था वही आगे कंटिन्यू कर दिया इसलिए हम कहते हैं कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है इसके लिए पहला बिल पास करने वाली स्टेट इंडिया में कौन सी बनी है उत्तराखंड हमारे संविधान का आर्टिकल है फोर्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जो सिविल लॉज होंगे सिविल लॉज वो सभी के लिए कॉमन होंगे इर ऑफ देयर रिलीजन कि मुस्लिम रिलीजन है इसमें मैरिजेस के अलग लॉ हैं डाइवोर्स के अलग लॉ हैं ठीक है जी हिंदू हैं तो अलग हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा तो एक ही कानून के अकॉर्डिंग सारा कुछ चलेगा दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उत्तराखंड ने एक बिल पास किया है कि रेगुले रेगुलेट ऑल लॉज रिलेटेड टू मैरिज डिवोर्स लैंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस ऑफ फॉर ऑल सिटीजन इन ऑफ देयर रिलीजन कोई किसी भी धर्म का हो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके संविधान में आर्टिकल क्या है जी इसका 44 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स इन दुबई 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स शेड्यूल टू बी हेल्ड इन दुबई हैज डेजिग्नेटेड इंडिया टर्की एंड कतर एज गेस्ट ऑफ ऑनर थीम क्या था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स पाथुम निशंका स्मैश डबल सेंचुरी श्रीलंका के प्लेयर जिन्होंने अभी डबल सेंचुरी बनाई है इससे पहले जयसूर्या ने 189 बनाया था 2000 में तो फ्रॉम उन्होंने उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है 210 रन बनाए हैं मतलब डबल सेंचुरी लगाई है, तो है। श्रीलंका के प्लेयर निशांका ने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स सबसे पहली चीज याद रखनी है कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज कौन करता है आंसर क्या आएगा वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ये इंडेक्स रिलीज करता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कनेक्टिंग टू कंपीट द इंडिया रैंक 38 एट आउट ऑफ वन थर्टी नाइन कंट्रीज लास्ट टाइम इंडिया का रैंक फोर्टी फोर था तो इंप्रूवमेंट हुई है लॉजिस्टिक्स यार लॉजिस्टिक्स में क्या है कि सामान जो है मान लो शिप से सामान आया इंडिया के अगर पोर्ट ही अच्छे नहीं है तो भाई कहां उतारेंगे उनको स्पोर्ट्स पे सामान अच्छा है खराब नहीं होगा जगहें अच्छा बनी है गोडाउन अच्छे हैं वहाँ सामान आ गया वहाँ से ट्रांसपोर्ट इजी है कहीं दुनिया इंडिया के हर कोने तक पहुँचाना तो ये लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है इसके ऊपर एक इंडेक्स जारी होता है कि कितना का अच्छा है तो इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ 38 है थर्टी रैंक है वन कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर डवेल्व टाइम्स दैट सेम एडवांस कंट्रीज़ तो सिंगापुर का रैंक पहला है ठीक है जी और इंडिया का रैंक आप देख सकते हो कैसे इंप्रूव हो रहा है जी सिंगापुर का रैंक सबसे पहला है फिनलैंड का सेकंड रैंक है जर्मनी का थर्ड रैंक है और इंडिया का रैंक क्या है जी आपका थर्टी एट तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है आंसर इज थर्टी एट और इंप्रूवमेंट हुई है इंडेक्स किसने रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने टाटा ग्रुप बिकम्स फर्स्ट इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट टू क्रॉस रुपीज थर्टी लैख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया की पहली ऐसी कंपनी ठीक है जी जिसने तीस करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को पास कर पार कर लिया क्रॉस कर दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उसकी टोटल मार्केट वैल्यू कंपनी की ठीक है जी तो तीस लाख करोड़ टाटा ग्रुप अचीव दिस्टोरिक माइल स्टोन एट इट्स कंबाइंड मार्केट कैपिटल जो कंबाइंड इसकी मार्केट है ओवरऑल उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ने तीस लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया है जी तो पहली ऐसी कंपनी बनी है जी इवन इट ऑल्सो सरपास रिलायंस ग्रुप एंड अडानी ग्रुप इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग मार्केट कैप का मतलब टोटल उसकी वैल्यू कितनी है कैपिटलाइजेशन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप जो हुई है इसमें क्या हुआ है बीटिंग डिफेंडिंग चैंपियंस बांग्लादेश इन द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट इन ढाका बांग्लादेश इंडिया ने इसको जीता है इंडिया ने इसको जीता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 जो वुमेन चैंपियनशिप हुई है इंडिया ने जीता है किसको डिफीट किया है बांग्लादेश की टीम को द विनर ऑफ द मैच वॉज डिसाइडेड बाय टॉस आफ्टर अ लेंथी पेनल्टी शूट आउट काफ़ी सारे पेनल्टी शूट आउट मिले पहले दोनों टीमों को फिर कुछ नहीं बन पाया तो देन फाइनली टॉस के अकॉर्डिंग ही डिसीजन आया All 11 players from फ्रॉम ईच साइड कन्वर्टेड देयर पेनल्टीज इन द शूट आउट आफ्टर द कंटेस्ट 1 एट अ फुल टाइम मतलब एक एक पे फिर टाइगर फिर उसके टॉस के करा के इंडिया को ऐसे जीतता है इंडिया भारत रतन टू नरसिम्हा राव चरण सिंह एंड एम एस स्वामीनाथन इनके बारे में अगर देखें ये तीन और लोगों को भारत रत्न दिया गया है भारत रत्न के बारे में तो ऑलरेडी हमने पहले थोड़ा पढ़ लिया है अब इनको देख लेते हैं पी वी नरसिम्हा राव इनको भारत रत्न मिला ये इंडिया के पीएम थे 1991 से 1996 तक ये वो दौर था जब इंडिया में इंडिया की जो इकॉनमी थी वो बहुत ही ज्यादा डाउन जाने लगी थी तो इन्होंने उस टाइम पे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे तो इंडियन इकोनॉमी को लिबरल किया आपने सुना होगा बहुत बार एल रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इंडिया के नाइन्थ पीएम रहे ये 1991 से 1996 तक ठीक है जी ही वॉज वाइडली क्रेडिटेड एज अ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमी लिबरलाइजेशन आगे इंडिया के एक और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह ठीक है जी इनको भारत रत्न मिला क्यों फॉरेस्ट अनवेविंग अनवेवरिंग कमिटमेंट एंड इनवेल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया किसानों के लिए फार्मर्स ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने लगातार अपनी जिंदगी में काम किया है। इंडिया के कुछ समय तक ये पीएम भी रहे हैं तो इनको भी भारत रत्न दिया गया है और एक नाम है आपका एमएस स्वामीनाथन जो कि एग्रीकल्चर के जिनको फादर बोला जाता है इंडिया में एम एस स्वामीनाथन तो उनको भी ये अवार्ड दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के फादर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना अब जहां वर्ड आ गया मत्स्य मत्स्य तो मतलब फिशिज की बात हो रही है मछलियों की बात हो रही है सरकार की पहले भी स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को अप्रूव कर दिया अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर ही है क्या किया है फॉर्मेलाइजिंग द फिशरी सेक्टर एंड सपोर्टिंग फिशरीज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ये स्कीम सरकार ने 2023-24 से बजट से लेके 26 तेईस तक के बजट तक लॉन्च करी है और इसमें टोटल सरकार ने पैसा दिया है छः हज़ार करोड़ और 50 परसेंट इन्वेस्टमेंट जनरली पब्लिक से होगी सरकारी और 50 परसेंट इसमें प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट होगी इंडिया में फिशरी सेक्टर का सबसे बड़ा फिशीज़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट फिशिंग जो प्रोडक्शन होती है इंडिया में कहाँ पर होती है जी वो आंध्र प्रदेश के अंदर होती है वर्ल्ड पल्सिस डे टेंथ फरवरी दालों की अगर बात करें तो कौन सा दिन चुना जाता है दस फेबररी एक छोटी सी बात यह भी याद रखना कि ओवरऑल पल्सिस की अगर मैं बात करूं दालों की बात करूं अलग अलग तो अलग अलग एरिया में होती हैं ओवरऑल पल्सिस की बात करूं तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश इन ओवरऑल पल्सिस मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर येस yes, भारत रर्जन तीन से ज्यादा को दिया गया है हमने पीछे पढ़ा है तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है मैं डिस्कस करूंगा आगे आने वाली क्लासेस में वर्ल्ड कैंसर डे फेबर चार फोर फेबर को दिया गया है थीम क्या है क्लोज द केयर गैप और कैंपेन का थीम है क्लोज द केयर गैप टूगेदर वी चैलेंज दोन पावर ऑफिशियल कलर क्या है जी आपका वर्ल्ड कैंसर डे का ब्लू एंड ऑरेंज तो ये आपके करंट अफेयर थे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी हमने डिस्कस की हैं लास्ट वीक की बाकी का जो भी आगे न्यूज़ रहेगी वो आगे की क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे ओके okay जी थैंक यू थैंक यू सो मच